फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से घर पे ये प्रेस्ड ग्लिटर्स को तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम मटेरियल हमें चाहिए इसके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लिसरीन, नेक्स्ट हमें चाहिए एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट में थोड़ा सा अल्कोहल कंटेंट होता है और आप इसकी जगह रबिंग अल्कोहल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए एलोवेरा जेल, एक खाली कंटेनर जिसके अंदर हम बनाएंगे, और ग्लिटर पाउडर चाहिए। हमें ये ग्लिटर शिमर डस्ट चाहिए जो आपको मार्केट से मिल जाएगी। आप थोड़ा फाइन पार्टिकल्स में या थोड़े से मोटी वाली ग्लिटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शिमर डस्ट ले रही हूँ खाली कंटेनर में। सो जितना भी मैंने फिल करना था मैंने फिल कर लिया है। ये शिमर डस्ट है गोल्डन कलर की और आप किसी भी कलर का बना सकते हैं ये। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल चाहिए हमें। मैं 1/4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद ग्लिसरीन चाहिए, ग्लिसरीन भी 1/4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतना इंटेंस नहीं है, लेकिन प्रेस ग्लिटर बनाने के लिए इसके अंदर हमें रबिंग अल्कोहल या फिर ये एस्ट्रिंजेंट भी डाल सकते हैं आप। तो मैं एस्ट्रिंजेंट डाल रही हूँ, इसमें पूरा कंटेनर फिल हो जाए उतना ही आपको एस्ट्रिंजेंट डालना है। और एस्ट्रिंजेंट डालने के बाद भी आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सेट हो जाएगा और एस्ट्रिंजेंट इवेपोरेट हो जाएगा। सो ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही ड्राई भी हो जाएगा, लेकिन आप इसे जब ये वेट हो तो यूज़ ना कीजिए, सो दैट कि इसकी शेप ना ख़राब हो। इसे आपको 6 से 7 आवर्स रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसे यूज़ कीजिए। ये बॉल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आप किसी भी कलर का बना सकते हैं ये। लाइक मैंने ये पर्पल बनाया, ये थोड़ा सा मैट है, इसमें ग्लिटर कम है, और इससे ज़्यादा जो ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अभी ये वेट थे, सो 10 से 15 मिनट्स के बाद देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया है ये। अब मैं इसका आपको डेमो दूंगी। अभी ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डेमो दे रही हूँ इसका। सो देखिए आप कितना इंटेंस है ये, कितने अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, और ये बिल्कुल भी फॉल डाउन नहीं होगा आपकी आइज़ से। बहुत अच्छे से ये आपकी आइज़ पर लग जाएगा। मेक श्योर कि आप इसे 6 से 7 आवर्स के लिए ड्राई होने दें, मेरी तरह इतनी जल्दी यूज़ मत कीजिएगा। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।